राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे 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 राधे, जय 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 श्री राधे। अच्छा एक बात पूछते हैं हम आपसे सुबह सुबह, ये बताइए आपने कभी फुटबॉल खेला है? हाँ मुझे मालूम है आप स्कूल में खेला करते थे, हो सकता है आप अभी भी खेलते हो, पर जब वर्ल्ड सॉकर मैचेस होते हैं तो हजारों करोड़ों लोगों की आंखें फुटबॉल मैचेस पर लगी रहती हैं। यूं भी तो देखा जाए, मैं जब पहले ये मैचेस देखती थी तो मुझे ज्यादा समझ में नहीं आता था। एक बॉल के पीछे 20-30 खिलाड़ी दौड़ते दिखते तो बड़ा अजीब लगता, और वो भी घंटों, 1.5-2 घंटे, 3 घंटे तक दौड़ते रहते, बहुत ही अजीब लगता। फिर बेचारी बॉल कितने कितने लोगों के जूते खाती, कभी उसे कोई इधर से धकेलता जूतों से, तो कभी कोई उसे इधर से कभी फुटबॉल ऊपर जाती तो कभी नीचे, तो कभी निशाना सद जाता तो बेचारी अपनी मंजिल पर पहुंचती और लोग कहते गोल लेकिन अब जब कभी मैं फुटबॉल मैच पर नजर डालती हूँ, कभी नजर पड़ती है अचानक, तो लगता है अरे ये फुटबॉल वास्तव में जीवात्मा जैसी है ना। जीव का भी तो यही हाल है, भौतिक संसार में आकर जब जीव गिरता है तो परिस्थितियां कभी उसे यहाँ ठोकर मारती हैं, तो कभी वहाँ। कभी जीव बड़े मुकाम तक पहुँचता है, धन दौलत का मालिक हो जाता है, तो कभी उसका सब कुछ लुट जाता है, वो कंगाल हो जाता है। तीन तरह के ताप और जन्म मृत्यु बुढ़ापे बीमारियों की ठोकरें खा खा कर बेचारा जीव कभी उच्च लोकों में तो कभी निम्न लोकों में आता जाता रहता है, कभी मानव योनि में, कभी देव योनि में, कभी पशु योनि में, तो कभी पौधों की योनियों में गिरता रहता है। कभी सोचता है शायद स्वर्ग चला जाऊं तो वहां अनंत सुख है, अनंत मात्रा का, वहां सुखी रहूंगा, पर भगवान कहते हैं आ ब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुपेत्य तु कौन्तेया पुनर्जन्म न विद्यते। यानी स्वर्ग से भी ऊंची जगह ब्रह्मलोक, अगर आप वहां भी चला जाएं, अगर वहां चले जाएं तो भी ये आवागमन जारी रहेगा, और अगर मुझे आपने प्राप्त कर लिया तो आपको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो करोड़ों बातों की एक बात कि भगवान की शरण लीजिए और हमेशा हमेशा के लिए निश्चिंत हो जाइए, बरी हो जाइए। और आपके लिए एक बहुत ही सुंदर श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ, बस यही इल्तिजा है, यही आपसे दरख्वास्त है कि आप इसे ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही सुंदर श्लोक है। नोचेत प्रमत्तम असत इंद्रिय वाजी सुताः नीतवोत पथम विषय दस्युषु निक्षिपन्ति ते दस्यवाः सहयो सूत ममुम तमो अंधे संसार कूप उरु मृत्यु भये क्षिपन्ति। बहुत ही सुंदर बात हमारे शास्त्र में कही गई है कि यदि मनुष्य भगवान की शरण ग्रहण नहीं करता तो इंद्रिया रूपी घोड़े और बुद्धि रूपी सारथी दोनों ही भौतिक कलमश के प्रति उन्मुख होने से अनजाने ही शरीर रूपी रथ को इंद्र तृप्ति के मार्ग पर लाकर खड़ा कर देते हैं। इस प्रकार जब विषय के धूर्तों खाना सोना मैथुन के द्वारा वह आकृष्ट होता है तो घोड़े और सारथी संसार के अंधकूप में गिर पड़ते हैं और मनुष्य पुनः जन्म मृत्यु की घातक और भयावह स्थिति में आ पड़ता है। देखिए हमारे शास्त्रों में सब कुछ आपको स्पष्ट कर दिया गया है और ये आपके ऊपर ये निर्णय भी छोड़ा गया है कि आप क्या अब लेते हैं, कौन सा मार्ग आप इख्तियार करते हैं, लेते हैं। तो यहाँ जैसे कि बताया गया है नोचेत प्रमत्तम असत इंद्रिय वाजी सुताः नीतवोत पथम विषय दस्युषु निक्षिपन्ति। यानी यदि मनुष्य भगवान की शरण ग्रहण नहीं करता तो ये होता है, और आज की स्थिति ये है कि मनुष्य को ये ही नहीं पता होता कि भगवान की शरणागत कैसे हुआ जाए। और सच में देखा जाए तो वो इंसान की शरणागत भी अच्छी तरह से नहीं हो पाता। भगवान की बात तो बहुत दूर है, जिन माँ बाप ने हमें जन्म दिया होता है हम कई बार उनके शरणागत भी कहाँ हो पाते हैं। हम कहते हैं हम इंडिपेंडेंट है, अब मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, आप मुझे क्यों टोकती रहती हैं बार बार, क्या मैं बच्चा हूँ, क्यों आप मेरी इतनी चिंता करती रहती हैं, मुझे मेरी जिंदगी जीने दीजिए, है ना। इस तरह से हम कहते हैं कि इट्स माई लाइफ, ये मेरा जीवन है, प्लीज डोंट इंटरफेयर। तो भगवान की शरणागत होने वाली बात बहुत दूर हो जाती है, क्योंकि जिसको हम देख रहे हैं जब उसके प्रति ही हमारे अंदर कोई भावना नहीं है, भावनाएं सूख गई हैं, तो
तो अगर मैं कहूंगी कि आप भगवान के प्रति शरणागत हो जाइए, तो आप ये कहेंगे ये कौन से वर्ल्ड में रहती हैं, कहां की बातें करती हैं। तो यहां बताया गया है मगर कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होता है, इंद्रिया रूपी घोड़े। देखिए इंद्रिया रूपी घोड़े, घोड़ा जो होता है जब वो दौड़ता है तो बेलगाम घोड़ा वो बहुत खतरनाक रूप से दौड़ता है, कहां जाएगा कहां नहीं जाएगा कुछ नहीं पता। उसको कंट्रोल में करने के लिए एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है, एक विशेषज्ञ की जरूरत होती है, जो घोड़े के आवागमन घोड़े की चाल से पूरी तरह से परिचित हो, जो जानता हो कि घोड़े पर कैसे लगाम कसी जाए, कैसे उसकी चाल को नियंत्रित किया जाए। हाँ, तो हमारे पास इंद्रियां हैं 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां और 5 कर्मेन्द्रियां। तो ये जो 10 इंद्रियां मिलकर के ऐसे दौड़ लगाती हैं कि इसमें जो बुद्धि रूपी जो सारथी बैठा हुआ है उसकी बुद्धि पे पाला पड़ जाता है, यानी वो इंद्रियों के पीछे पीछे भागने लगता है। क्यों भागने लगता है? क्योंकि इंद्रियां दौड़ रही हैं और आत्मा जो अपने स्वरूप से परिचित नहीं है, आत्मा जो है जिसे माया ने ढका हुआ है, आत्मा कोई कदम नहीं उठाती, आत्मा तो इस शरीर के अंदर भोगता है, एक तरीके से भोग रही है। हाँ, कर्म हो रहा है उसका फल वो भोग रही है, कर्म कर रही है फल भोग रही है, ये काम चल रहा है। तो आत्मा, चूंकि आप अपने स्वरूप से परिचित नहीं है, आप नहीं जानते हैं कि मैं आत्मा हूं और एक मतलब इंसान होकर के कोट के अंदर हूं, अब उस कोट को ही आप सब कुछ मानने लगो, उस कोट को खाना खिलाने लगो, उस कोट की खूब इस्त्री करने लगो, खूब अच्छे से उसको प्रेस करके और खूब चमका चमकू के पहनो, और वैसे आप गंदे रहो, कभी नहाओ नहीं, कभी धोओ नहीं, हाँ कभी अपना कोई ख्याल ही ना रखो, पौष्टिक खाना ही ना खाओ, कुछ नहीं करो, तो क्या होगा? तो वो कोट जो है एक ना एक दिन फट जाएगा और आपकी हालत खराब होती चली जाएगी, आप जो है विभिन्न रोगाणुओं के शिकार हो जाएंगे, कीटाणुओं के शिकार हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। तो आप अपना ध्यान रखेंगे तो इंटेलिजेंट कहलाएंगे ना, इसी प्रकार से आत्मा की भी बात होती है। तो आपसे चर्चा जारी रखेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। और हम चर्चा कर रहे हैं एक बहुत ही सुंदर श्लोक पर, फिर से कहूंगी आपके लिए श्लोक, नोचेत प्रमत्तम असत इंद्रिय वाजी सूतः नीतबोध पथम विषय दस्युषु निक्षिपन्ति ते दस्यवः सहयो सूत ममुम तमो अंधे संसार कूप उरु मृत्यु भय क्षिपन्ति। अर्थात यदि मनुष्य भगवान की शरणागत नहीं होता, उनकी शरण ग्रहण नहीं करता, तो इंद्रिया रूपी घोड़े और बुद्धि रूपी सारथी दोनों ही भौतिक कलमश के प्रति उन्मुख होने से अनजाने ही शरीर रूपी रथ को इंद्रिय तृप्ति के मार्ग पर ला खड़े करते हैं। इस प्रकार जब विषय के धूर्तों खाना सोना और मैथुन के द्वारा वह आकृष्ट होता है तो घोड़े और सारथी संसार के अंधकूप में गिर पड़ते हैं और मनुष्य पुनः जन्म मृत्यु की घातक और भयावह स्थिति में आ पड़ता है। तो ये श्लोक हमारी आंखें खोल देता है, अगर इसके शब्दार्थ को, इसके भावार्थ को हम अच्छी तरह से समझें। तो यहां बताया गया है कि देखिए इंद्रियां जो हैं वो घोड़े के समान होती हैं जो बेलगाम रूप से दौड़ती रहती हैं, और बुद्धि रूपी सारथी दोनों ही जब दोनों मिलते हैं और इंद्रियों के चक्कर में बुद्धि पड़ती है तो दोनों ही भौतिक कलमश के प्रति उन्मुख हो जाते हैं। भौतिक कलमश के प्रति उन्मुख हो जाना, भौतिक क्रियाकलापों के प्रति उन्मुख हो जाते हैं, कहीं से भी उनका अध्यात्म से सरोकार नहीं होता है, तब वो ये सोचते हैं कि ये जो शरीर रूपी रथ है, शरीर को कैसे सुख दिया जाए, इंद्र तृप्ति दिए जाए, क्योंकि इंद्रियां, देखिए घोड़े जो हैं वो घास खाना पसंद करते हैं, तो हमारी जो पर्टिकुलर इंद्रियां हैं वो अपने विषयों में रथ होना पसंद करती हैं। आंखों का काम है देखना, वो हर ऊल जलूल चीजें भी देखना चाहती हैं। हाँ, जहां भी आपको, आप देखेंगे कई बार सड़क पर जा रहे हैं तो आप देखेंगे कुछ तमाशा सा हो रहा है, कहीं कुछ भीड़ लगी हुई है, तो आप सोचेंगे क्या हो गया क्या हो गया, आपको पता भी नहीं, आप वहां रुक जाएंगे, आप ये भी नहीं सोचेंगे कि मेरे पीछे ट्रैफिक जैम हो गया है मैं चलूं, नहीं आप रुकेंगे, आप देखना चाहेंगे, जानना चाहेंगे वहां देखने की क्या चीज है, मैं देखूं तो क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा होगा, कोई हो सकता है छोटा सा बच्चा बंदर नचा रहा है, या हो सकता है कि दो जो है लोग लड़ाई कर रहे हैं और उनको देखने के लिए तमाशबीन वहां पे खड़े हो गए हैं तमाशाई। तो ये जो है चीज है बहुत ध्यान देने योग्य है कि हमारी आंखें अपने जो विषयों को ढूंढती हैं, हमारी जिह्वा अपने विषयों को ढूंढती है कि भाई ये खाऊं वो खाऊं कुछ भी खाऊं। शादियों में लोग चले जाते हैं तो ये नहीं सोचते हैं कि भाई पेट तो मेरा अपना है, अगर खाना मुफ्त का है तो क्या हुआ, पेट खराब हो जाएगा, पथ कुपथ सब खाने लगते हैं, सब पेट में डालो, सब जुबान को उसका स्वाद दो, जैसा भी चीज बना है खाने योग्य है नहीं खाने योग्य है, बस मिल रहा है बस खाते जाओ अच्छा ही होगा, ये हालत हो जाती है हमारी। तो हम जो है इंद्र तृप्ति के मार्ग पर खड़े हो जाते हैं और फिर ये जो खाना पीना सोना और मैथुन, ये जो तीन चीजें हैं ये अति में की जाती हैं
हाँ, इन पे अगर रोक टोक नहीं हो जाते हैं, आप तमोगुण को विकसित करने लगते हैं अनजाने ही, और आपको पता भी नहीं चलता कि आप कितने तमोगुणी हो जाते हैं। तमोगुणी व्यक्ति जो है, ये बताते हैं भगवान कि तमोगुणी व्यक्ति जो है वो आसुरी योनियों में धकेला जाता है, निम्न लोकों में जाता है, तो तमोगुणी हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो है खाने की बात कही मैंने कि आप अगर कहते हैं कि अगर खाना जीने के लिए है तो ठीक है, लेकिन अगर आप जी रहे हैं खाने के लिए तो मामला कुछ गड़बड़ है। यानी कि अगर आप अधिक पैसा कमाते हैं और आप सोचते हैं चलो आज इस होटल में जाके खाया जाए, आज उस रेस्टोरेंट को ट्राई किया जाए, आज वहां खाया जाए, खाया 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 सुबह से लेकर रात तक, चलो उसका टिफिन उसमें कुछ अच्छा है वो खाया जाए, हमेशा आपका जो है जुबान से लार टपकती रहती है, पानी टपकता रहता है, तो मामला कहीं बहुत गड़बड़ है, ये चीज आपको फंसा देगी, आप जो है भवबंधन में फंसते चले जाओगे। और इसी प्रकार से जो तीसरा जो खतरनाक चीज है वो मैथुन, जब आप अपनी पत्नी और पति से संतुष्ट नहीं होते और आप इस सुख के लिए यहां वहां जाते हैं और इस सुख की अति करने लगते हैं तो कई प्रकार के रोगों के शिकार भी होते हैं। मन जो है वो भौतिक कलमश और गंदगी से भरता चला जाता है और आप जो है कई बार रिश्तों की पवित्रता उसको भी ताक पर रख देते हैं। बहुत कुछ होता है समाज में इन चीजों के कारण। तो यहाँ बताया गया है कि इन तीनों चीजों पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है, वरना हम बार बार जन्म लेंगे और मरते रहेंगे। और एक और श्लोक, बहुत ही सुंदर श्लोक आपके लिए, एष आत्म विपर्यासो ही अलिंगे लिंग भावना, एष प्रिया प्रियेर योगो वियोगः कर्म संस्रति ही, संभवश्च विनाशश्च शोकश्च विविधः स्मृतः, अविवेकश्च चिंताच विवेका स्मृतिरेव च। अर्थात मोह अवस्था में जीव अपने को शरीर और मन को आत्मा स्वीकार करके कुछ व्यक्तियों को अपना सगा संबंधी और अन्य लोगों को बाहरी लोग मानने लगता है। इस भ्रांति के कारण उसे कष्ट भोगना पड़ता है। ऐसे मनोभावों का संचय ही तथा कथित सांसारिक सुख और दुख का कारण बनता है। इस प्रकार स्थित होकर बद्ध जीव को विभिन्न योनियों में जन्म लेना पड़ता है और विभिन्न चेतनाओं में कर्म करना पड़ता है, जिससे नवीन शरीरों की उत्पत्ति होती है। यह सतत भौतिक जीवन ही संसार कहलाता है। जन्म मृत्यु शोक मूर्खता चिंता ये सब भौतिक विचारों के कारण है। तो देखिए कितना सुंदर श्लोक, और इसमें अगर आप इस श्लोक पर अगर आपने गौर किया हो, ध्यान दिया हो, तो यहाँ आपको बता दिया गया है। बार बार हमारे श्लोक जो हमारे शास्त्रों के श्लोक हैं वो आपको बार बार बताते हैं कि ये जो भौतिक जगत है बहुत निंदनीय है, यहाँ रहना बहुत निंदनीय है, ये कोई अच्छी बात नहीं है कि आप इस भौतिक संसार में पड़े हुए हैं, ये बहुत दुख की बात है। क्यों? क्योंकि आप आध्यात्मिक हैं, आप आत्मा हैं, आप शरीर नहीं हैं। हमेशा इस बात को, एक बात को ना आप गांठ बांध लीजिए कि आप शरीर नहीं हैं। शरीर मतलब शरीर को इस तरह से देखिए कि शरीर ये काम कर रहा है और मैं इसमें लिप्त नहीं हूँ। अलिप्त भाव से, निर्लिप्त भाव से आप उसमें रहिए, तब बात बनती है। तो यहाँ बताया गया है कि मोह अवस्था में मोहित होकर जब जीव अपने आप को शरीर मानने लगता है, जब वो ये यस्यात्म बुद्धि कुणपित धातु के, जब वो कफपित वायु से बने हुए शरीर को स्व मानने लगता है, आत्म मानने लगता है, तब उसकी समस्याएं शुरू होती हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचता है मैं तो शरीर हूं और ये जो मन है ना, यही मेरी आत्मा है, यही मैं आत्मा है, मतलब यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेरी बॉडी में, मन है। तो बोलते भाई मन की संतुष्टि कर रहे हैं हम, तो आत्मिक संतुष्टि कर रहे हैं, हमारे मन ने कहा तो हमने किया। मन को इतनी इम्पोर्टेंस दे देते हैं, मानो कि मन मन नहीं आत्मा है। तो इतनी इम्पोर्टेंस देने के बाद ये मन तो आपको दौड़ाता है, भगाता है और मोहित कर देता है। तो इसके चलते हुए हम कुछ व्यक्तियों को तो कहते हैं भाई ये हमारा सगा संबंधी है, ये हमारे घर में हमारे पेट से इसने जन्म लिया तो ये मेरा अपना खून है, कहते हैं ना ये मेरा खून है, खून की पुकार, हाँ खून तो बोलता है, और जाने कितनी बातें है ना हम लोग कहते हैं कि अपना खून है, लेकिन बाकी ये पराया खून है। अगर कहीं बाहर से स्त्री आपके घर में आ जाती है बहू बन के, अरे पराई लड़की है ना ये तो ऐसा ही करेगी, या अरे वो पराए हैं, पराए लोगों से बात नहीं करनी है ये सब, और पड़ोसियों से भी ये लोग तो पराए हैं, अपने लोग थोड़ी हैं। लेकिन कई बार आप देखते हैं कि जो आपके पड़ोसी जिनको आप पराया समझते हैं, जो आपके खून के रिश्ते में नहीं आते, ऐसे पड़ोसी वो आपके कितने काम आ जाते हैं। आपके रिश्तेदार शायद काम नहीं आते, उनको पता भी नहीं चलता, लेकिन ये पड़ोसी, ये लोग जिन्हें आप पराया मानते हैं, जिनसे आप चीजें छुपाते हैं और जिनसे आप कभी कभी जलते भुनते भी हैं, वो कई बार बहुत काम आ जाते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि आत्मा ये अपना है और ये पराया है, ये जो भेद बुद्धि है ये इसलिए होती है क्योंकि हम अपने आप को शरीर मान बैठते हैं
और मन को आत्मा मान बैठते हैं। और फिर जब इतना हो जाएगा, जब हम इंसान इंसान में भेद करेंगे, तो भगवान तक हमारी पहुंच कहाँ होगी? कभी भी नहीं। भगवान को समझने के लिए तो आपको ब्रह्मभूत अवस्था में आना पड़ेगा, शुद्ध अवस्था में, जहाँ पर आप सबको सबको एक समान माने, सबको ये माने कि ये सब भगवान के अंश हैं, तो ये मुझसे भी संबंधित हैं। समस्त जीव सब पर आप दया करें, तो आप भगवान को समझने की दिशा में एक कदम रखेंगे, हाँ कदम भर रखेंगे। तो अगर ये सब हमारे अंदर लक्षण नहीं है, सिम्टम्स नहीं है, तो हम भगवान को नहीं समझ सकते। तो ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करना परम आवश्यक है, लेकिन उसके लिए आपको देहात्म बुद्धि इस भावना से निकलना होगा। और हम चर्चा कर रहे हैं एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज्ञानवर्धक श्लोक पर। एष आत्म विपर्यासो ही अलिंगे लिंग भावना, एष प्रिया प्रियेर योगो वियोगः कर्म संस्कृति, संभवश्च विनाशश्च शोकश्च विविधः स्मृतः, अविवेकश्च चिंता च विवेका स्मृतिरेव च। अर्थात मोह अवस्था में जीव अपने को शरीर और मन को आत्मा स्वीकार करके कुछ व्यक्तियों को अपना सगा संबंधी और अन्यों को बाहरी लोग मानने लगता है। इस भ्रांति के कारण उसे कष्ट भोगना पड़ता है। ऐसे मनोभावों का संचय ही तथा कथित सांसारिक सुख और दुख का कारण बनता है। इस प्रकार स्थित होकर बद्ध जीव को विभिन्न योनियों में जन्म लेना पड़ता है और विभिन्न चेतनाओं में कर्म करना पड़ता है, जिससे नवीन शरीरों की उत्पत्ति होती है। यह सतत भौतिक जीवन ही संसार कहलाता है। जन्म, मृत्यु, शोक, मूर्खता, चिंता, ये सब भौतिक विचारों के कारण है। देखिए, जन्म और मृत्यु, कई बार लोग कहते हैं कि भगवान हमें जन्म क्यों दे देते हैं, हाँ फिर जन्म दे देते हैं, फिर हमारे आगे ही मृत्यु भी हो जाती है। हाँ, अहनी अहनी भूतानि गच्छन्ति इहि अमालयम् शेषा स्थावरम् इच्छन्ति किम् आश्चर्यम् अतः परम्। हाँ, प्रतिक्षण मृत्यु हो रही है, ये सब क्या है, ये सब क्या ताना बाना है? लेकिन यहाँ आपको साफ साफ बताया गया है, ये सब आपके अपने कारण है, आपके अपने भौतिक विचारों के कारण है। जब हमारे विचार भौतिक रहते हैं, तो मन में भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं, और जब वो इच्छाएं तृप्त नहीं हो पाती हैं, अतृप्त रह जाती हैं मृत्यु के समय, तो भगवान हमें अगला चांस देते हैं कि भाई इच्छाएं तृप्त कर लो, पर हो सकता है हमारे कर्म इतने सुंदर ना हो कि हमें इतना सुंदर मानव जीवन मिले, तो हम अन्य योनियों में चले जाते हैं, पशु पक्षी कीट पतंगों के योनियों में चले जाते हैं, पेड़ पौधे बन जाते हैं, हजारों साल खड़े रहते हैं और अपनी उस पर्टिकुलर जो उस खास आदत को, उस खास भौतिक इच्छा को पूर्ण करते हैं उस योनि में। तो यहाँ बताया गया है कि मोह अवस्था में जीव अपने को शरीर और मन को आत्मा मान लेता है और इसी तरह से वो सांसारिक सुख दुख झेलता रहता है, उसी का कारण जो है बनता रहता है, क्योंकि उसके मनोभाव ये है कि ये तो हमारे सगे हैं और ये जो है बाहरी लोग हैं। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ये बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति समदर्शिना होता है ना, पंडिता समदर्शिना, वही विद्वान व्यक्ति कहलाता है जो सब में भगवान का दर्शन करे, सबको भगवान का अंश माने, और जो इस तरह से करेगा, मैं आपको बताती हूँ, उसके विचार उत्तरोत्तर शुद्ध होते चले जाएंगे, वो शुद्धता को प्राप्त करता चला जाएगा। और जब तक आप शुद्ध नहीं होंगे, आप परम शुद्ध को प्राप्त करने की सोच भी कैसे सकते हैं? आप सोच भी कैसे सकते हैं कि बिना शुद्ध हुए, आंतरिक शुद्धता के बगैर, मैं उस परम शुद्ध को प्राप्त कर लूंगी? यह असंभव है, असंभव। शुद्धता अत्यावश्यक है। तो विचारों की शुद्धता जो है बहुत जरूरी है, अगर कि आपके विचार सुंदर हों, लोगों को पसंद आने वाले हों, लोगों में आप कोई भेद ना करें, इस भेद बुद्धि का त्याग मतलब बहुत आवश्यक है। अगर आप इस भेद बुद्धि में पड़े रहेंगे, किसी को अपना और किसी को पराया मानने लगेंगे और सोचेंगे अरे ये तो बाहरी लोग हैं, इनसे क्या करना है, इनसे अपने को क्या मतलब, तो मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर जन्म और मृत्यु के कारण आपके विचार ही बनेंगे। और कितना सुंदर गीत आपने सुना, जिस विषय पर हम बात कर रहे थे कि हमें तेरा मेरा से बचना चाहिए, और यहाँ बताया गया है इस गीत में कि तेरा मेरा जो है यही प्रभु की माया, इससे कौन बच पाया। लेकिन जब व्यक्ति आध्यात्मिक विद्या से संपन्न हो जाता है, आध्यात्मिक जगत में जाना चाहता है, जब वो भगवान से प्रेम करने लगता है, तो वो बच जाता है, क्योंकि प्रभु की माया से आप तब पार पा सकते हैं, क्योंकि भगवान की शरणागत होकर ही आप माया से पार हो सकते हैं। भगवान ने कहा भी है कि भाई दैवी ये शाम गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती थे, जो आप मेरी शरणागत हो जाएंगे, मेरी माया को पार कर पाएंगे। ये फैसिलिटी है, स्पेशल जो है सुविधा है आपके लिए, खास सुविधा आपके लिए, अगर आप भगवान के शरणागत हो जाते हैं, वरना नहीं।
वरना कोई पार नहीं कर सकता इस माया को। हाँ, तो जो विद्या कैसी होनी चाहिए? विद्या ऐसी होनी चाहिए कि जहां आप कहीं किसी में कोई फर्क ना देखे, तेरा मेरा ना करे। हाँ, जैसे कि एक श्लोक है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनिश्चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिना। यानी कि जो व्यक्ति विद्या से पूर्ण होता है, भगवत विद्या, आध्यात्मिक विद्या, हम भौतिक विद्या की बात नहीं कर रहे जहां पे आप एमबीए एमबीबीएस और पता नहीं क्या क्या बनते जाते हैं, और जितना आप बनते जाते हैं उतना ही आपका जो गर्व है, घमंड है, वो आप पर अधिकार करता चला जाता है। आप अपने असली स्वरूप को भूल जाते हैं। कई बार आप ये भूल जाते हैं कि हाँ, ये मेरे माँ बाप है, मैं इनका बेटा हूं, इन्होंने कितना कष्ट सहा मेरे लिए, रातों को अपनी आंखें फोड़ फोड़ करके इन्होंने मेरे लिए कमाया, कपड़े सिले, क्या क्या नहीं किया। कईयों के माता पिता ने बहुत मेहनत करके अपने बच्चे को कुछ बनाया होता है, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते चले जाते हैं वो पीछे की चीजें भूलते चले जाते हैं। तो भगवान तो बहुत दूर की बात है कि वो बिल्कुल सामने जिन्होंने इतना कुछ किया उनको भूल जाते हैं। तो ये चीज की एक परम सत्य भी है और हम सब उसके अंश हैं, अंततः हमें उसके पास लौटना चाहिए। हाँ, इस चीज को कहां वो आत्मसात कर पाएंगे, है कि नहीं? लेकिन यहां बताया गया है कि विद्या विनय संपन्न, अगर आप सचमुच में विद्वान हैं, अगर आप सचमुच में जानते हैं कुछ चीज, आत्मज्ञान है आपको, ब्रह्म ज्ञान है आपको, तो आपके पहली निशानी ये होगी कि आप में विनय आ जाएगा, विद्या विनय संपन्न, आप में विनम्रता आ जाएगी। हाँ, जो विनम्रता है ये बहुत बड़ी चीज है और बहुत मुश्किल चीज है। आज के जमाने में विनम्र होना बहुत मुश्किल चीज है, क्योंकि आप देखते हैं कई जगह कई तरह के लोग मिलते हैं और आप सबसे विनम्रता पूर्वक बात करते हैं तो आप बहुत ही उच्च श्रेणी के व्यक्ति हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम जो है अपने अपने दायरों में बंधे हुए हैं, अपने अपने बॉडी डेजिग्नेशन, जो हमारी शारीरिक उपाधियां हैं, कि हम एमबीबीएस डॉक्टर हैं या हम एमडी हैं, तो हम जो है इतने बड़े टीचर हैं, प्रकांड पंडित हैं, हमें तो ये आता है, हमें तो वो आता है, हम ये टशन जानते हैं, वो टशन जानते हैं, हमारे पास तो ये जो है 40,000 रूपये का मोबाइल है, तो हमारे पास जो है इतने करोड़ रूपये का लैपटॉप है, और पता नहीं क्या 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 व्हाट नॉट, आई डोंट नो, बट ये लिस्ट बढ़ती चली जाती है, और उसके अनुरूप, उसके अनुपात में हमारा अहंकार भी बढ़ता चला जाता है। हम बिल्कुल नहीं सोच पाते हैं। विनय ये किताबी शब्द लगता है, ह्यूमिलिटी ये जो है, जो विनम्रता, ये किताबी शब्द हो जाता है, कोरा शब्द मात्र रह जाता है बनकर के, और हम जो है विनम्रता कई बार अपनों को भी नहीं दिखा पाते, जिन्हें हम अपना कहते हैं, बाल बच्चों को भी नहीं दिखा पाते, उन पे भी हम इस तरह से करते हैं, ओए मैं तुम्हारे पिता हूं, मुझको पता है कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, ठीक है आ जाओ, ये है वो है, अच्छे से बात भी नहीं करते हैं। तो बाहर कैसे हम किसी में फर्क नहीं जानेंगे, हाँ भेद करेंगे? यहां बताया गया विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, ऐसा व्यक्ति जो ब्राह्मण है, जो कि जिसे ब्रह्म ज्ञान है, ब्राह्मण का मतलब है ऐसा व्यक्ति जिसे ब्रह्म ज्ञान है। ब्राह्मण होने के लिए किसी विशेष जाति से संबंधित होने की जरूरत नहीं है, या किसी के पेट से कोई ब्राह्मण बन के नहीं आता है, क्योंकि भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा। हाँ, गुण और कर्म से कोई ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य और बाकी चीज सारी चीज बनता है, गुण कर्म से। कोई किसी भी परिवार में जन्मा हो और किसी के जो लक्षण होते हैं उस लक्षण के अनुसार वो व्यक्ति ब्राह्मण वगैरह बन सकता है। कोई भी बन सकता है ब्राह्मण, जिसे ब्रह्म ज्ञान है वो ब्राह्मण है, सीधी सी बात है। तो विद्या विनय संपन्न जो व्यक्ति है वो ब्राह्मण, गवि यानी गाय, हस्तिनी यानी हाथी, इनमें कोई फर्क नहीं मानता, सबको एक नजर से देखता है, है ना, उनके शरीर के अनुसार उनसे व्यवहार अवश्य करता है, पर अंदर ही अंदर जानता है कि अरे ये सब तो भगवान की विभूतियां हैं, ये भगवान के अंश हैं और इनमें भी भगवान बैठे हैं, है ना। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, भगवान कहते हैं मैं तो सबके हृदय के अंदर बैठा रहता हूं तो इनके अंदर तो भगवान है, तो भगवान है उनको प्रणाम, लेकिन चूंकि इन्होंने ऐसा शरीर धारण किया है और ऐसी ही इनकी चेतना है, इसके अनुसार मुझे इनसे बात करनी होगी, है कि नहीं। आप जो है गाय को एक विशेष अनुसार से आपको पुचकारना होगा, हाथी से आपको थोड़ा दूर रहना होगा, हाँ इस तरह से आपको करना होगा। तो सुनिश्चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिना, तो हर व्यक्ति को एक समान समझता है जो सच्चा पंडित, सच्चा विद्वान होता है, सच्चा व्यक्ति होता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हमारे अंदर विनय नहीं आएगा तब तक हम एक असली चीज नहीं समझ पाएंगे। भगवान को समझने की बात बहुत दूर है। और हमारे साथ एक श्रोता बात करते हैं, इनसे नमस्कार। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम? मैं रवि बोल रहा हूँ, पांडव नगर से। रवि बताइए, कुछ पूछना है मैडम? जो हम लोग आस्तिक लोग हैं, जो पूजा पाठ सत्संग वगैरह में विश्वास रखते हैं जी, वो ज्यादा दुखी क्यों रहते हैं शारीरिक मानसिक आर्थिक रूप से? लेकिन जो लोग नास्तिक हैं, जो पूजा पाठ भी नहीं करते, धूपबत्ती तक भी नहीं जलाते, लेकिन वो लोग हमेशा
बड़े सुखी रहते हैं, ठीक ठाक रहते हैं। ठीक ठाक रहते हैं। अच्छा देखो, कुछ चीजें समझने का प्रयत्न करो। हाँ जी, कुछ चीजें देखो, ये जो जीवन मिला है ना तुम्हें, हाँ जी, ये एकमात्र जीवन नहीं मिला है, पहली बात। हाँ जी, हाँ जी। इससे पहले हम अनेकानेक जीवन भुगत के आए हैं। हाँ जी। और वहाँ अनेकानेक कर्म करके आए हैं। हाँ जी। तो जैसे बीज तो बो लिया, हाँ, कर्म का बीज बो लिया, अब उसका फल कब मिलेगा ये डिसाइडेड नहीं है। तो कुछ बुरे कर्म जो किए हमने, उसका जो फल है वो हमें अब मिल रहा है, चाहे हम अभी अच्छी तरह से पूजा पाठ करें तो इसका फल मिलेगा आगे। लेकिन जो है, और ताकत भी मिलती है कि जो आपने किया, मतलब जो गलत आपके साथ हो रहा है, जिसे आप गलत मानते हैं कि पैसा नहीं है या तीन तरह के ताप हमें सता रहे हैं या हम ठीक नहीं है शारीरिक रूप से, तो ये सारी चीजों में भी आपको सहने का आत्मबल जो है वो आपकी पूजा पाठ देती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो हमने, और इसी प्रकार से जो नहीं कर रहे हैं आज, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है, सब कुछ है, और वो कहते हैं अरे हम ही सब कुछ है, ये एक जो गर्व आ गया ना, तो ये गर्व उन्हें ले डूबेगा। लेकिन उन्होंने पास्ट जन्म में इतने पुण्य कर्म किए, इतना कुछ किया कि अभी जो वो फलित हो रहा है, तो अभी वो सुख भोग रहे हैं। ठीक है, हमारा कोई जो है दुख फलित हुआ, दुख का कर्म माने जो हमने बुरे कर्म किए वो फलित हुआ, तो हम दुख भोग रहे हैं, उसमें इतना आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। उसे पूजा पाठ या भगवान से मत जोड़िए, भगवान इन सब चीजों के ऊपर है। ठीक है ना, और पहली बात। दूसरी बात यह है कि भगवान कहते हैं कि यस्या हम अनुग्रणामी हरिष्य तद धनम शनि, यानी जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसका धन धीरे धीरे छीन लेता हूँ। तो ये कृपा जो है, इसे प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े लोग ललायत रहते हैं भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, लेकिन वो इसलिए ऐसे कई बार छीन लेते हैं ऐसे लोगों का धन कि भगवान कहते हैं अरे तुम इसी जन्म में मेरे पास आ जाओ, ये धन वगैरह का अवलंब लोगे तो मेरा अवलंब कब लोगे, मेरा अवलंब लोगे ही नहीं, तो मेरा अवलंब लो और मुझे याद करो और मुझ तक आ जाओ फौरन इसी जन्म के अंत में। तो भगवान कहते हैं जिस पर मैं बहुत कृपा करता हूँ उसके साथ ऐसा करता हूँ, पर जिसके साथ कृपा नहीं करता हूँ उसे धन में लाद देता हूँ। सोचिए क्या बात है। हमारे साथ हैं कुछ श्रोता, बात करते हैं इनसे। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार, मेरा नाम अमित त्यागी है। अमित बोलो। हाँ जी, मैं कुछ एक सवाल था जो मैं थोड़ा तेज बोलो। मेरा कुछ सवाल था जो मैं पूछना चाह रहा था। पूछो। कि जैसे आपने भी बताया कई बार कि मनुष्य जो इस धरती इस लोक में आता है वो अपने यहाँ पर रहकर अपने प्रारब्ध का जब तक पूरा फल नहीं भोग लेता सुख दुख, तब तक उसे यहाँ से मुक्ति नहीं मिलती। तो इस तरह से कि जैसे श्री राम हुए वो भी यहाँ पर आए, सीता हुई, और श्री राम और सीता दोनों को वनवास भोगना पड़ा, कष्ट भोगना पड़ा था, तो क्या ऐसा था कि उन्होंने भी पहले कुछ उनके गलत कर्म थे जिससे कि उन्हें भी यहाँ पे कष्ट आके भोगने पड़े, बल्कि वो तो प्रभु थे, वो तो सब जानते हैं। मुझे भी बोलने दो, मैं बताती हूँ आपको। देखो, जो भगवान जो है ना, वो जब मानव रूप में आते हैं तो उन्हें मानव समझने की भूल मत करो, वो कोई भी रूप ले सकते हैं, वो निराकार भी हो सकते हैं, वो आकार में भी आ सकते हैं, इसी यही स्वराट का मतलब होता है ना, कि वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो उसे उन्हें मानव समझने की भूल मत करो। भगवान कहते हैं अवजानन्ति मा मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम, यानी जो लोग मनुष्य के रूप में मुझे जानकर मेरा उपहास उड़ाते हैं तो वो लोग मेरे परम भाव से अनजान रहते हैं, इसलिए वो मूर्ख हैं, है कि नहीं? तो उन्हें कभी भी मनुष्य मानने की कभी भी गलती मत करना, है ना? तो दूसरी बात, वो अपनी लीलाएं करते हैं, है ना? और भगवान कहते हैं न च माम तानी कर्माणि निबध्नन्ति धनंजया, है ना? उदासीन वदासीन अशक्तम तेषु कर्मसु। भगवान कहते हैं कि मुझे कोई भी कर्म कभी बांध नहीं सकता। अच्छा। कोई कर्म नहीं बांध सकता, भौतिक गुणों, तीनों गुणों भगवान को नहीं बांध सकते, भगवान के गुण हैं। अच्छा। भगवान के गुण आप पे डाले गए हैं, भगवान थोड़ी ना उसमें बंधेंगे। अच्छा। जैसे कि एक जज है, उसने निर्णय सुना दिया तो निर्णय से खुद थोड़ी ना बंधेगा, है कि नहीं? अगर एक राजा है, राजा ने आपके लिए कानून बनाया है, वो कानून उस पे लागू नहीं होते, राजा कानून से ऊपर होता है। अच्छा। तो वो कानून बनाने वाले हैं, है ना, विधाता हैं। तो इसलिए विधाता को आप ना कभी कॉमन समझ के मत चलना, वो अपनी लीलाएं करते हैं, 10 तरह की लीलाएं करेंगे, और जो है आप उन लीलाओं का गायन कीजिए और अमर हो जाइए, खूब मतलब उन तक पहुंच जाइए, है कि नहीं? तो ये मकसद होता है। तो मकसद को समझने की कोशिश करो और ये सब मत देखो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। भगवान स्वराट है, वो निराकार रूप में, वो घट घट में है, वो हर चीज में, उनकी शक्ति अचिंत्य है, वो आपके और मेरी बुद्धि में जो भौतिक बुद्धि है ये इसमें समझ नहीं आने वाली, वो भूल जाओ आप, ठीक है? तो तर्क वितर्क से भगवान को समझने का कोशिश कभी नहीं करना, भक्ति से ही समझे जाते हैं भगवान। भक्त्या माम अभिजानति यावनश्चास्मि तत्वतः, तत्व रूप में समझना है तो भक्ति करो। और एक और कॉलर हमारे साथ हैं। नमस्कार।
नमस्कार जी। अच्छा जी, आप अभी भी हैं? हाँ जी। बात लंबी हो गई थी ना, मुझे लगा आपने। नहीं नहीं, कोई बात नहीं जी, बताएं। पार्वती जी, मैं पहली बार आपके असम में कॉल कर रहा हूँ मैं। अच्छा, और पहली बार में लग गया? नहीं, वैसे तो मैं काफी टाइम से प्रयास कर रहा था। अच्छा, फिर ठीक है, लेकिन आज पहली बार लगा है। मेहनत का फल मीठा। जी जी जी, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। पार्वती जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे गुरु भी हैं और भगवान भी हैं, लेकिन मन में हमेशा एक विपता सी बनी रहती है कि हम किसे मतलब पूजनीय श्रेष्ठ मानकर, सर्वोच्च मानकर हम उनकी वंदना करें। बड़ा सुंदर सवाल है आपका। मतलब इसलिए सुंदर सवाल है कि लोगों के दिमाग में और सबके दिमाग में कंफ्यूजन ये बना रहता है ना। जी, जी, तो देखिए, गुरु तो जो है, पहले उसकी स्थिति समझ लीजिए आप, क्या है गुरु। जी, गुरु भगवान के कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट यानी परम गुह्य सेवक होते हैं। परम गुह्य सेवक और भगवान को बहुत ही प्रिय है ना। गुरु वो होता है जो भगवान को तत्व रूप से जानता है। चूंकि वो जानता है, इसलिए भगवान का प्रेम सर्वत्र वितरित कर सकता है। भगवान ने उसे अधिकार दिया होता है, भगवान ने उसे उतनी ताकत दे दी होती है। उसे भी नहीं पता होता कि मुझे ये ताकत कहाँ से आई, पर भगवान ने सब कुछ डाल दिया होता है उनमें, है ना, पूरी प्रोग्रामिंग हो जाती है। अच्छा, अब चूंकि वो भगवान के परम सेवक होते हैं, तो भगवान को परम प्रिय होते हैं। परम प्रिय होते हैं तो गुरु का कर्तव्य है भगवान से मिलाना, भगवान से मिलाना। हाँ, तो गुरु को की आज्ञा से आप भगवान से मिलते हैं, गुरु के जरिए आप भगवान से मिलते हैं, तो गुरु पूजनीय हो जाते हैं और भगवान भी पूजनीय है ना। तो पहला प्रणाम आपने बेशक गुरु महाराज को किया, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आपने भगवान को बिल्कुल पीछे धकेल दिया कि भगवान नहीं है, यही सब कुछ है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि ऐसा भी गलती होती है, क्योंकि कोई भी गुरु ये नहीं देख सकता, जो सच्चा गुरु है, कि आप मेरी वंदना करो, मुझे प्यार करो, मुझे सब कुछ करो और भगवान को परे रख दो, भगवान के बारे में कोई विचार करना छोड़ दो, मैं ही भगवान हूँ। अगर कोई ये प्रोक्लेम करता है मैं भगवान हूँ, तो मामला कुछ गड़बड़ है ना। शास्त्र के अनुसार बता रही हूँ मैं, मेरा अपना कोई विचार नहीं, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता, ठीक है ना। शास्त्र नहीं, 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 आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। मैं एकदम नहीं, नहीं, ये कहना चाह रहा, देखिए, आप सबको इस तरह से शिक्षित करते हैं, धर्म मार्ग से जोड़ते हैं, तो आप भी तो गुरु ही हुए एक तरीके से। वो शिक्षा गुरु, शिक्षा शिक्षा वो छोड़ दीजिए। ये मत समझिएगा कि मैं तारीफ कर रहा हूँ, बल्कि ना ही मैं मक्खन लगा रहा हूँ। सुबह का समय है, टीचर को हाथ जानकर सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, जिस तरह से आप परसों से इतने टाइम से असम के माध्यम से आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं, धर्म कर्म से जोड़ रहे हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मुझे लगता है कि वो भगवान की ही कृपा है, भगवान की कृपा बरसी तो मैं मे बी मे बी इट इज अ फैक्ट, इट इज अ फैक्ट, नॉट मे बी, देर इज नो क्वेश्चन ऑफ मे बी बेसिकली। दैट इज वाई से कि आपकी जो श्रद्धा है, जो फेथ है भगवान में, वो ऐसा होना चाहिए जो शेक नहीं हो सके, कहीं से भी बिल्कुल भी कोई हिला ना सके, मतलब अविचल अविचल होना चाहिए, आदव श्रद्धा। इसलिए कहते हैं कि भगवान की तरफ जब आप मुड़े, तो आपकी श्रद्धा ऐसी होनी चाहिए जो बिल्कुल पक्की होनी चाहिए, ठोस है ना, मजबूत होनी चाहिए, नींव एकदम पक्की होनी चाहिए, तब उस पर प्रेम की इमारत खड़ी होगी और भगवान से प्रेम होना शुरू होगा। तो श्रद्धा इतनी होनी चाहिए। अब कैसे श्रद्धा होगी, कोई भक्त आप में जो है भगवान के प्रति श्रद्धा विकसित करेगा, क्या होगा, ये तो भगवान ही निर्णय लेते हैं। और आप अगर प्रयास करते हैं तो भगवान कई रास्ते खोल देते हैं, तो प्रयास करना आपको पड़ेगा। अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो फिर यहीं बने रहेंगे, और अगर आप यहीं बने रहेंगे तो फिर मामला बहुत ही बेकार है। मतलब इट इज अ वेस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। हाँ, अपनी जो मानवीय जिंदगी को, अपनी मानव योनि को इस तरह से आप जाया मत होने दीजिए, खराब मत होने दीजिए। अभी भी वक्त है, सचेत हो जाइए, उसे प्रेम कीजिए जो आपसे बहुत बहुत प्रेम करता है। श्री भगवान से प्रेम कीजिए। और हमारे साथ है कुछ श्रोता, बात करते हैं इनसे। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार जी। जी नमस्कार जी। जी जी, आपका शुभ नाम? राजेंद्र कुमार जी। राजेंद्र जी, बताइए। बस थोड़ा यही पूछना चाहते कि दान की परिभाषा में, यानी कि जब कृष्ण जी ने रुक्मणी जी दान कर रहे थे सुदामा जी को, तो उनको हाथ रोका गया था, तो ऐसा दान यानी क्या किसी से दिखावे से दान भी करा जा सकता है या गुप्त रूप से भी दान करा आप जाए? ये बताइए, आप किसके लिए पूछ रहे, भगवान के दान के बारे में पूछ रहे हैं, इंसान द्वारा दिए गए दान के बारे में पूछ रहे हैं? नहीं, वो तो रुक्मणी जी ने उनका हाथ रोका था सुदामा के लिए। नहीं, वो सब तो समझ आता, वो तो छोड़ दीजिए, भगवान वाली बातें छोड़िए, अभी आप इंसान की बातें पूछ रहे हैं कि दान क्या है, तो मैं बताती हूँ। इंसान की बात है, यानी कि क्या इंसान चोरी दान भी करे
तो अच्छा, या किसी को दिखा कर दान करे वो अच्छा। अच्छा, गुप्त दान करे या दिखा के दान करे। हाँ। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखिए हर चीज में ना भावनाओं का बहुत आवश्यक, मतलब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रहता है, भावनाओं का बहुत महत्व रहता है कि आप दान किस उद्देश्य से कर रहे हैं। दान जो है, देखिए कई चीज में ऐसा भी होता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो बहुत शराब पीता है, उल्टे सीधे काम करता है, और वो आपके पास आता है कि हमें दे दीजिए, ये पैसा दे दीजिए, हमारी ये संस्था है, ये है वो है, और ऐसी कोई संस्था नहीं है, और आपको अचानक उस पर बहुत ही दया आ जाती है, उसका फटेहालपन देख करके आप उसे दान दे देते हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं कि वो दान आपको इम्प्लीकेट कर देगा, आपको फंसा देगा। 50% जो कार्य वो करेगा उसका 50% आपको लगेगा, समझ रहे हैं? अगर उसने वो पाप किया उस दान से, वो शराब पी रहा है या वो गलत काम कर रहा है कहीं जा करके आपके द्वारा दिए गए पैसे से, तो उसका 50% आपको लगेगा, पाप कर रहा है या पुण्य कर रहा है, जो भी है। इसीलिए कहा जाता है जो दान है वो भगवान के लिए करना चाहिए, है ना? भगवान के लिए जब आप दान करते हैं वो विमल दान होता है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि कहीं कोई जो है परोपकार का कार्य हो रहा है, कहीं कोई स्कूल का निर्माण हो रहा है, या कुछ जो है कुएं खुद रहे हैं, या कहीं और अच्छा काम हो रहा है और आप जानते हैं कि हाँ ये वास्तव में ये काम हो रहा है, वहां आप दान ना दें। इसका अर्थ ये नहीं है, आप दान दें, है ना? तो अच्छे कार्य के लिए दान दिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जहां तक आपने कहा गुप्त दान या जो है खुले रूप में दान, है ना, तो गुप्त दान तो कहते हैं ऐसा है कि ऐसा दान देना चाहिए कि अगर आप दाहिने हाथ से दान दे रहे हैं तो इसका पता बाएं हाथ को भी नहीं लगना चाहिए। नहीं तो अगर आप ओपनली अनाउंस करके दान देते हैं, ओ मैंने तो 15,000 रूपये दिए इतने इतने चीज के लिए, तो दान तो आपने दिया लेकिन उस दान का जो फल मिलना चाहिए था उसे अहंकार खा गया आपका, आपके अंदर अहंकार भर जाएगा, जिसको हमें निकालना है। क्योंकि भगवत भक्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक अहंकार की दीवार हमारे पास हो, मिथ्या अहंकार की दीवार हमारे आगे खड़ी है, भगवान और हमारे बीच में। तो उस दीवार को तो आपने सीमेंट लगा दिया ना उस दीवार में तो रंगाई पुताई सीमेंट लगा दिया आपने। अगर आपने वो दान जो है खुला दान, मतलब अनाउंस करके दिया, यहाँ मेरा नाम लिख देना, दान दिया 15,000, 20 लाख, अब मेरा नाम लिख देना, तो ये सब आपने किया तो मामला गड़बड़ हो गया, है ना? तो गुप्त दान जो है वैसे बेहतर रहता है, लेकिन पर्पस बहुत जरूरी है, ये जानना कि किसके लिए हो रहा है, इसलिए भगवान के लिए करना चाहिए। ठीक है, तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कार्यक्रम सुनते रहिएगा और ऐसे ही बातें करते रहिएगा। हमारे साथ एक और श्रोता है, इनसे बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार माता जी। नमस्कार। मैं अनिल कुमार शर्मा बोल रहा हूँ, फरीदाबाद से। हाँ अनिल जी, बताइए। मेरे कुछ विचार थे, मैं वो शेयर करना चाह रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, विचार शेयर कीजिए। ऐसा है माता जी, मैंने ऑब्जर्व किया है रेलवे स्टेशन पे कि वहाँ बहुत सारे यात्री होते हैं और कुछ बुक स्टॉल भी लगे होते हैं और तरह तरह के सामान बिक्री करने के स्टॉल होते हैं, तो वो लोग रेलवे अनाउंसमेंट को कौन सी ट्रेन आ रही है, कहाँ जाने वाली है, इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। हाँ जी। वो अपने काम में मशगूल रहते हैं। और उसी तरीके से आपके जो वो होते हैं भिखारी होते हैं या जो सिर्फ वहाँ सोने के लिए आते हैं प्लेटफॉर्म पे, उनको भी अनाउंसमेंट से कोई मतलब नहीं रहता है। तो लेकिन जो यात्री जिसको जाना है गंतव्य तक, उसको वो हर एक अनाउंसमेंट को बड़ी बड़ी ध्यान से सुनता है, क्या बात है, और उसको फॉलो करता है। यस। क्योंकि उसको जाना होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जैसे लोग भी जिसको भगवत धाम वापस जाना है वो तो हर एक अनाउंसमेंट को सुनेगा, संतों की बाणी सुनेगा या उसके ऊपर गौर करेगा और जैसे इंस्ट्रक्शन वैसे फॉलो करेगा। बिल्कुल। नहीं तो बहुत सारे लोग सुनते उसको अनसुना कर देते हैं, अपने काम मशगूल होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने सोचा, है ना? कितना अच्छा एग्जाम्पल है ये, बहुत सुंदर एग्जाम्पल है कि वाकई जिसको जाना है और जो जाना चाहता है, जिसको जो मैं आपको बताऊं, जो उकता गया है ना भौतिक ऐश्वर्य से, वही सोच सकता है वापस जाना है। जो ये उकता गया है ये भौतिक जगत का कारोबार देख के कि यहाँ कोई अपना नहीं होता, कुछ चीज अपनी नहीं होती, जो इससे ऊब गया है, बोर हो गया है, जिसने पैसा अपार पैसा भी देखा और ये भी देखा कि पैसे से कोई सुख नहीं मिला, उल्टा अपने बच्चे भी दूर हो गए, है ना, बच्चे भी कुछ संगति में पड़ गए। हाँ, और हम भी कुछ संगति में पड़ गए, होटल्स वगैरह जाते हैं जहाँ पे चार तरह के पाप तो होते ही हैं, है ना, तो वहाँ सब कुछ हम लोग कर रहे हैं और हम धीरे धीरे कब उन चीजों को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उन गलत आदतों को, हमें पता भी नहीं चलता और हम बहुत गिर जाते हैं। तो जो व्यक्ति इन चीजों से ऊब गया वो सोचेगा कि हाँ मुझे वापस जाना है, इससे छुटकारा पाना है। तो पहली सबसे बड़ी जरूरत है कि आप ये महसूस करें कि आपको छुटकारा पाना है, है कि नहीं? तो ये जो चीज है कि आप ये सोचें कि हाँ मैं छूट जाऊं इस भव बंधन से, वापस ऐसी शाश्वत धाम को, शाश्वतता को प्राप्त करूं, हाँ जो मैं हूं मैं शाश्वत हूं, मुझे बताया गया है कि मैं चिन्मय जो है स्फुलिंग हूं, मुझे ये बताया गया है कि मैं आध्यात्मिक हूं,
बेसिकली मेरा नेचर आध्यात्मिक है क्योंकि मैं आत्मा हूं। तो आत्मा अगर आध्यात्मिक है तो उसे आध्यात्मिक जगत में होना चाहिए, भौतिक जगत में यहाँ क्या कर रही है? हा? तो ये सवाल बहुत जरूरी है, सवा लाख का सवाल है। इसे आप अपने आप उठाइए, अपने से उठाइए, अपने आप इसका उत्तर खोजने का प्रयास कीजिए और फिर जब आपको वो मार्ग मिलेगा भगवत प्राप्ति का, तो उस मार्ग पर बेहिचक बढ़ते जाइए ताकि एक ना एक दिन मंजिल आपके सामने जरूर प्रकट हो जाए। हमारे साथ हैं कुछ श्रोता, बात करते हैं इनसे। नमस्कार। नमस्कार मैडम। राम राम जी। राम राम जी, कौन बोल रहे हो आप? मैं नीरा बोल रही हूँ गुलाबबाग से। हाँ नीरा बोलो। मुझे सिर्फ ये कहना था, जैसे लोग कहते हैं ना कि भगवान कुछ बदल नहीं सकते, जो किस्मत का लेखा होता है वो भगवान नहीं बदल सकते, मैं ये नहीं मानती। क्योंकि भगवान, भगवान का जो नाम है स्याही की तरह है, जो मोहर पे पड़ता है, जब मतलब उसको पेपर पे हम उस मोहर को लगाते हैं तो जो उल्टे शब्द होते हैं वो सीधे हो जाते हैं। क्या तो बात उसी है? तरह जैसे हमारी किस्मत की उल्टी लकीरें, अगर हम भगवान से उस तरह मांगे जिस तरह एक बच्चा कि उस माता पिता के बस में नहीं होता, वो उनसे गुहार लगाता है कि मुझे ले दो या कर दो, तो वो उसको कहीं से भी लाके कुछ भी करके दे देते हैं। जो मनोकामना है वो पूरी करते हैं कि बेचल ठीक है। हाँ, लेकिन इस बारे में आप बहुत अच्छी बात कह रही हैं नीरा, आपकी ये बात मुझे बड़ी पसंद आई, वो जो मोहर वाली बात थी बहुत ही सुंदर बात। और वैसे भी श्लोक भी है, यस्त्विंद्र गोपमत वेन्द्र महो स्वकर्मा बंधान रूप कर, है ना, कर्माणु भाजी में होती ये कर्माणि निर्धति किंतु च भक्ति भाजा। तो ये जो है कर्माणि निर्धति किंतु च भक्ति भाजा, आपके समस्त कर्म भक्ति से जल जाते हैं। अगर आप भक्ति करते हैं तो आपके समस्त कर्म जो है गर्हित हो चाहे कैसे भी हो जल जाते हैं, अगर आप सच्ची भक्ति करते हैं निष्काम। अब बात हो रही है निष्काम भक्ति की, तो भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए क्योंकि हम, हमें इतनी अक्ल नहीं है कि हमें क्या मांगना चाहिए, है ना, हम नहीं समझ सकते कि हमारे लिए क्या उपयुक्त है। तो इसे छोड़ दो कि ये भगवान जो हमारे लिए बेस्ट हो ना प्लीज वही डिसाइड कीजिए, है ना। एक एक बात मुझे और कहनी है, जैसे मेरी मम्मी हमें ये शिक्षा दिया करती कि जो भी मांगो भगवान से सद्बुद्धि मांगो, अगर आपको अच्छी बुद्धि भगवान देंगे तो आपको सब कुछ अपने आप मिलेगा, क्योंकि हम, हमारी अगर बुद्धि सही होगी तो हम अपने आप ही वो ठीक रास्ता। भगवान कहते हैं तेषां सतत युक्तानां भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। ध्यान से सुनो, भगवान कहते हैं कि मैं बुद्धि उनको दे देता हूँ, ऐसा बुद्धि योग देता हूँ कि जो मेरा निरंतर भजन करते हैं उन्हें मैं ऐसा बुद्धि योग देता हूँ कि वो मेरी तरफ खींचते चले आते हैं, मेरी तरफ दौड़ते चले आते हैं। क्यों दौड़ना है भाई, भगवान की तरफ दौड़ने से क्या मिलेगा? पुनर्जन्म से मुक्ति, बिल्कुल, है ना, ना जन्म ना मृत्यु और ना ये मांगने की ये जो सरदर्दी है, ये लो वो लो, ये दे दो वो दे दो, जीने के लिए बड़ी चीजें आवश्यक हैं और नहीं मिलती तो हम भगवान से मांगते हैं, है ना, तो वो नहीं करना चाहिए। तो आपकी बात बहुत अच्छी थी, वो मोहर वाली बात वाकई बड़ी अपीलिंग थी। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। और एक और श्रोता हमारे साथ हैं। नमस्कार। नमस्कार। अरे आप अभी भी हैं इतनी दूर से, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी बोल रहा हूँ मथुरा से। अजी हाँ जी, और इस समय आप कहाँ हैं? मथुरा में ही? जी डेफिनेटली मथुरा में हूँ। वो वृंदावन गया था थोड़ा सा मॉर्निंग में। हाँ जी। इक्कीस संडे टू डे। अच्छा अच्छा, आपका शुभ नाम सर? जी मेरा नाम राजेंद्र सिंह चौहान है। जी राजेंद्र सिंह चौहान जी, बताएं। जी सवाल ये था कि जैसे भी कोई भी ह्यूमन बींग हमसे ये पूछता है कि मैं क्या हूँ, जैसे कहता है कि आप क्या हो, तो एक तो होता है बेसिकली मीन ऐसा कि आत्मा और परमात्मा के बारे में कोई ऐसा जनरली पूछे तो हम कह सकते हैं कि हम वास्तव में परमात्मा के अंश हैं, जो कि जिसने कि हमें यहाँ पे बनाया है और इतना ब्रेन दिया, इतने सारे मीन लिविंग बींग, डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी मनुष्य का दिमाग जो है वो केवल ऊपर वाले को फीलिंग कर सकता है, समझ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हम उसी के अंश हैं और वास्तव में उसी की आराधना करते हैं, उसी में सम्मिलित हो जाना है, यानी कि परमात्मा में लीन हो जाना, एक तो वो हो गया। लेकिन इन चीजों को अगर हम मीन जैसे किसी इंटरव्यू को फेस करते समय बोले तो वहां पे मैं आई थिंक जैसे कि अगर हम ये कहें कि धार्मिक को कोई भी कहने का मतलब इंटरव्यू, तो वहां तो सिलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन वैसे अगर हम कहें अच्छा आप ये कह रहे हैं कि अगर कहीं नौकरी चाकरी के लिए इंटरव्यू देने गए और आपने उन्हें आपसे पूछा कि भाई आप कौन हो, तो आपको क्या जवाब देना चाहिए, है ना? ये जो सवाल जी, ये नहीं बाकी छोड़िए ना, ये सवाल बड़ा सुंदर सवाल है, पहले इस पे हम विचार करते हैं कि देखिए सीख उसी को दीजिए जिसको सीख सुहाए,
है ना। सीख उसी को देनी चाहिए जिसको सीख अच्छी लगे। सामने वाले को देख करके आपको बात करनी होती है कि सामने वाला क्या चाहता है आपसे। अब सामने वाला जो है वो नहीं चाहता आपसे आध्यात्मिक ज्ञान। उस समय आप जो है एज ए कैंडिडेट बैठे हुए हैं वहाँ पे और आपको एक पर्टिकुलर नौकरी के लिए अप्रोच करना है, तो आप बताइए जी हाँ जी मेरा नाम राजन चौहान है और मैं ये करता हूँ, ये कर सकता हूँ, मैंने ये किया है, वो किया। हालांकि आप जानते हैं कि कुछ नहीं है, ये बॉडी के डेजिग्नेशंस हैं, शारीरिक उपाधियां हैं, है ना, शारीरिक उपाधियां हैं। और आप चूंकि तत्व ज्ञान से परिपूर्ण हैं, आपको ये पता है कि हाँ मैं भगवान का अंश हूँ और मैं आत्मा हूँ, ठीक है। तो ये नॉलेज आपके लिए, ताकि आपका अपना कल्याण हो सके। पर ये नॉलेज दूसरे को आप तब देंगे ना जब वो आपसे इस तरफ इस बारे में बात करेगा। लेकिन जो बात ही नहीं करना चाहता उसे आप जबरदस्ती थोड़ी ना उसके गले हम नहीं पड़ सकते, उसे नहीं बता सकते कि भाई जो है आप ऐसा कीजिए वैसा कीजिए या ये हमारा असली पहचान है। कोई जरूरत नहीं है। आपका उद्देश्य उस समय नौकरी में सिलेक्ट होना है, तो आप उसे वही जवाब दीजिए जो वो सोच रहा है कि आपका जवाब आएगा। उसे ये बताने की जरूरत नहीं है कि आप आत्मा है और आपका आप परमात्मा के अंश है। ये आपके लिए है ये नॉलेज, ठीक है।